प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को जैसे आपने देखा होगा अभी मैं हैंडवर्क आपको सिखा रहा हूँ कि हैंडवर्क किस तरीके से करना है। जस्ट 7 डेज, ओनली 1 वीक में आप हैंडवर्क करना सीख जाएंगे इजिली स्टेप्स में। आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और किस तरीके से आप हैंडवर्क को ईजिली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, देखो मेरी बॉडी जैसे वार्म अप हो रखी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्म अप हो जाना है। आप स्लो रनिंग कर लें, उसके बाद आप जनरल एक्सरसाइज कर लें। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको हल्का से बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो आप ये करेंगे स्टेप, क्योंकि हमारी सारा की बॉडी का वेट है हमारे शोल्डर्स पे और हमारे कलाई पे और इस पे आ जाता है। तो ये करेंगे, सेकंड इस तरीके से हम करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने शोल्डर्स को। जनरल एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है हैंडवर्क से पहले, फिर हम हैंड रोटेशन करेंगे शोल्डर रोटेशन 10 टाइम फ्रंट और बैकवर्ड और इस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको हैंडवर्क के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है वो हाथों की ताकत की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये खींचा चलती है ऐसे, जीवन अपने हाथ में वो बॉल की ओर स्ट्रेच करें, अपनी बॉडी का वेट बोल के और दें, तो ये मैंने 4 एक्सरसाइज बताई, आप और भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं और आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो आप जितनी ज़्यादा वार्म एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पहली एक्सरसाइज किस तरह करनी है, 5 स्टेप्स में बताऊँ, 5 इजी स्टेप्स हैं जिनको आप इजीली एक वॉल के थ्रू आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप देखिए, आपको क्या करना है, अपने दोनों पाँव को आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग बोल देंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथ जो है ये आपके दोनों पाँव के बराबर में रहेंगे। आपको क्या करना है, अपने नी को थोड़ा बेंड करना है और अपने पाँव को हल्का सा इस तरह से उठाना है, 1 2 3 होल्ड। जब आपके पाँव उठेंगे तो आप हल्का सा आपको कोशिश करना है कि आपके पाँव होल्ड रहे। ये आपको कम से कम 1 दिन पूरी 1 घंटे 2 घंटे आपको पहला दिन आपको इस स्किल में लगाना है। पहला दिन आपको सिर्फ यही सीखना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसको कर लिया, सेकेंड स्टेप क्या होगा आपको, देखो पहले दिन आपको इतना आपका 2 सेकेंड आपका होल्ड होना चाहिए हाथों पे, ओके। अब आते हैं सेकेंड डे पे क्या करना है, सेम आपकी पोजीशन सेम रहेगी। आपको क्या करना है, अपने लेग को ऊपर उठाना है और कोशिश करना है दीवार को टच करने की, ठीक है। ये वापस पाँव आपके बैंड रहेंगे, पाँव आपने खोलने नहीं है अभी, और कोशिश करने की बात से पाँव को हटा लेंगे। सेकेंड है, आपको सिर्फ ये चीज़ करना है, दोनों पाँव को आप इस तरह बैठ रहेंगे, कोशिश करनी है दीवार से हल्का सा इतना आपका पाँव में गैप रहे और ऊपर की ओर आपका बॉडी का पूरा वेट आपके दोनों हाथों पर। थर्ड एक्सरसाइज तीसरे दिन, एक एक दिन एक्सरसाइज परफेक्ट करनी है। 2 दिन हो गए 2 एक्सरसाइज कर ली, तीसरे दिन क्या करना है, सेम पोजिशन रहेगी, आपकी जो लेग बैंड थी वो आपके लेग सीधे होंगे, दीवार के साथ टच करेंगे, पहले कोशिश करेंगे हल्का हल्का इतना धीरे टच फिर ओपन टच फिर खोलेंगे टच फिर खोलेंगे, ठीक है। बट ये फिर सिर्फ वन लेग पर रहेगा, वन बैक वन टच वन दिखाइए, दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। वन लेग टच है, वन लेग पर वन लेग आपको पूरा बॉडी का वेट आपके हाथों में फिर करेंगे, ट्राई करना है दीवार से हल्का से आपकी बहुत छूटे, हाँ फिर करेंगे। देखिए आपके पाँव आपके जो पाँव की पोजीशन है वो दीवार से हल्का छूटे। चलो अब मैं आपको बताऊंगा फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दीवार से थोड़ा सा आप दूर खड़े होंगे और अपने पाँव को आपको स्ट्रेट करके आपको खड़े होने की, आपके बैलेंस बनाने की दोनों हाथों में कोशिश करिए कि दोनों हाथों का बैलेंस आपकी बॉडी स्ट्रेट रहे। उसके बाद आप अपने पाँव को इस तरीके से आप कुआं में सकते हैं, दीवार का सारा नहीं लेंगे, दीवार पीछे लेंगे आप कर सकते हैं, दीवार सारा लेने के लिए फिर कोशिश करेंगे कि आपके लेग है स्ट्रेट रहे, कोशिश करें बैलेंस बनाने की। अगर आपका इतना बैलेंस हो रहा है दीवार से थोड़ा दूर रहे ताकि आप गिरे भी ना और आपका दीवार से आपका सारा मिल भी जाए, सारा अच्छे से हो गई। तो 5th है लास्ट और फाइनल, आपकी 4 दिन हो गए, एक एक दिन करके आपने हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब 5th एक्सरसाइज आपको क्या करना है, दीवार से दूर हो जाएंगे, ब्रेन रिस्ता होगा, डीप ब्रीथ लेंगे, उस दिन आपको अपने हाथों की प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करके रखनी है, हाथों को आप उसे रिलैक्स करके रखेंगे, ठीक है।
शोल्डर को करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को और अपने हाथ को टच करना है इस तरह, आपके हाथ प्रॉपर आपके इस तरह कसूर चाहिए और थोड़ा सा इस तरह नहीं रखेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी को हल्का सा यूँ उठाएंगे, उसका थोड़ा और उठाएंगे, पाँव आपके बैंड रहेंगे, ठीक है। फिर करेंगे इस तरीके से यूँ और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे दोनों लेग। आप लेग को फोल्ड करेंगे और आगे की ओर फॉरवर्ड होते हुए चलेंगे, फिर लेग को स्ट्रेट भी रख सकते हैं आप। तो ये था हैंड वॉक, आपको मैंने 5 इजी स्टेप बताए जो कि आप अपने घर में ट्राई करके आप इनको कर सकते हैं। देखिए 5 इजी स्टेप्स हैं, आपको वॉल का सारा लेके करना है, स्ट्रेचिंग जरूर करें, हाथों की एक्सरसाइज, आपको सारा वेट आपके पलाई पे रहता है ये भी जरूर करनी है, जो चीज़ आपको अंदर से डेडिकेशन होना है कि आपको वो हैंड वॉक सीखना है तो सीखना है, ठीक है। लास्ट दिन आप देखेंगे चौथे पाँचवें दिन के बाद, 5 दिन आप ट्राई कीजिए, छठे दिन आप हल्का सा रेस्ट कर सकते हैं और सातवें दिन आप जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ ऐसे आप भी हैंड वॉक करना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस चैनल में आपके लिए ऐसे ही नई नई स्किल्स की वीडियो लाते रहूँगा। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो मेरी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच पाए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो देखते रहें, कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू।